ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अपने आखिरी पड़ाव पर है। दो टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल मैच 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हालांकि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में लगातार बारिश हो रही है, हो सकता है ये फाइनल भी बारिश में धुल जाए। अगर फाइनल मुकाबला खराब मौसम का शिकार हो गया तो आखिर किसे विश्व कप की ट्रॉफी मिलेगी, आइए बताते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से गुजारिश की थी कि सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा जाए, लेकिन आईसीसी ने बोर्ड की मांग नहीं मानी। 8 तारीख को होने वाले फाइनल मैच में अगर बारिश हुई तो इसके लिए रिजर्व डे की व्यवस्था है। अगर 8 को मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो 9 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा। अगर सोमवार यानी रिजर्व डे के दिन भी बारिश होती है और मैच रद्द कर दिया जाता है तो दोनों टीमें यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। आईसीसी के इस नियम के तहत पहले भी ऐसे फैसले दिए गए हैं। साल 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बारिश की भेंट चढ़ गया था, इसके लिए रिजर्व डे भी था लेकिन उस दिन भी बारिश होती रही, जिसके बाद भारत श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया था। मेलबर्न में रविवार को आसमान खुला रहने का अनुमान है, बारिश की कोई आशंका नहीं है। आईसीसी के नियम के मुताबिक किसी भी टी20 मुकाबले का परिणाम निकलने के लिए कम से कम 10-10 ओवर का खेल होना जरूरी है। अगर 10-10 ओवर का खेल नहीं हो पाया तो मैच को रद्द कर दिया जाता है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में कोई भी गेंद खेले बगैर ही फाइनल में पहुंच गई। सिडनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला पहला सेमीफाइनल मुकाबला रद्द हो गया, जिसके बाद आईसीसी के नियम के मुताबिक भारत को ग्रुप में शीर्ष पर रहने की वजह से फाइनल का टिकट मिल गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम द्वारा पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर क्रिकेट के दिग्गजों ने भी उन्हें अपनी बधाइयां और शुभकामना के संदेश भेजे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर पूरी टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी और कहा कि हमें आप सभी पर गर्व है। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल मैच होता तो अच्छा होता, लेकिन इंद्र भगवान के आगे कौन जीत सकता है, मेहनत का परिणाम अच्छा मिलता है, ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतने का इनाम। महिला टी20 विश्व कप का फाइनल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खेला जाएगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इसी दिन वह अपना 31वां जन्मदिन भी मनाने जा रही है। भारत पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचा है, ऐसे में खिलाड़ी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। खिलाड़ी चाहेंगी कि सभी मिलकर विश्व कप जीत के साथ अपने कप्तान को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा दें। अमर उजाला.com